बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कार्यक्रम कृषि दर्शन देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार जोहार। जी हाँ, हम जानते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम आपको सबसे पहले दिखा देते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ अंशुशिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसान भाई वर्षा जल को बचाएं और संरक्षित करें। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पैक हाउस का होगा निर्माण। बरसाती भिंडी की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं वर्षा उपहार। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई वर्षा जल को बचाएं और संरक्षित करें। सभी किसान जन सहभागिता के द्वारा गाँव में निर्माण किए गए तालाब पोखर आहर में वर्षा जल को इकट्ठा करें। इससे सालों भर विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं और पेयजल की समस्या भी दूर हो सकती है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पैक हाउस का निर्माण किया जाना है। इस योजना के तहत नए गांव और नए कृषकों का चयन किया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन में प्रवासी मजदूरों को नियमानुसार लाभ दिया जाएगा। लाभुकों का चयन ग्राम पंचायत के माध्यम से होगा। आवेदन प्रखंड तकनीकी प्रबंधक या उद्यान मित्र के माध्यम से 5 अगस्त तक जिला उद्यान पदाधिकारी कोडरमा के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। किसान भाई अदरक की खेती के लिए बीज की बुआई कर सकते हैं। अच्छी उपज के लिए बीज को उपचारित कर ही खेत में लगाएं। अदरक का उन्नत किस्म वरदान अच्छी उपज देने वाला है। इसके अलावे सुप्रभा, सुरुचि भी अच्छी किस्म है। किसान इन प्रभेदों को लगाकर अदरक की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो अभी जो है आप अदरक की खेती के लिए बीज बुआई कर सकते हैं। बीज को हमेशा जो है उपचारित करके ही खेत में लगाएं। और इसके लिए जो वैरायटी है अदरक का जो है वो है वर्दा, जो भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान जो है केरल से विकसित की गई किस्म है, ये काफ़ी अच्छी है इसको। और सुप्रभा एक वेराइटी है, सुरुचि एक वेराइटी है, जिसको किसान भाई लगा के अच्छा मुनाफा कमा। बरसाती भिंडी की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 50 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 25 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए परभनी क्रांति, पूसा A4, अनामिका वर्षा उपहार लगाएं। बरसाती भिंडी की खेती के लिए जल निकास वाली हल्की दोमट मिट्टी उपयुक्त है। बुआई के समय गोबर खाद 200 क्विंटल, नेत्रजन 100 किलोग्राम, स्फूर 50 किलोग्राम, पोटाश 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डालें। ध्यान रहे समतल जमीन में सीधी बुआई करें। किसान भाई शुष्क भूमि में गहरी बुआई के लिए डीप फरो सीडर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 50 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है लत्तेदार सब्जी फसलों में कीट नियंत्रण के बारे में। लत्तेदार सब्जी फसलों की खेती में पौधा रोपण के बाद 250 किलोग्राम नीम की खली प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। फूल निकलने के समय इतनी ही मात्रा में नीम की खली का दोबारा व्यवहार करें। इससे उपज भी बढ़ेगी और कीट लगने का खतरा भी कम होगा। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए हैं। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तसर के कीट काफ़ी संवेदनशील होते हैं, उनमें काफ़ी रोग लग जाते हैं। तो चलिए आज इस फीचर के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि उनका बीजागार किस प्रकार से करें, उनकी बीज उत्पादन किस प्रकार से करें। तो चलिए आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। बेहतर तसर उत्पादन और बेहतर तसर कीट पालन के विभिन्न चरणों में सबसे महत्वपूर्ण है तसर बीजागार में बीजों को रोगों से बचाना। बीजागार में बाहर से भी रोग आ सकते हैं और बीजागार के अंदर से भी रोग पनप सकते हैं। पहले बात करते हैं बाहर से आते रोग स्रोत और उससे बचाव के बारे में। जैसे कि अगर बीजागार का कार्य करना चाहते हैं तो सबसे पहले है कि कोकून, जो गोटी बोलते हैं, उसको आप कहाँ से लें। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो कोकून आपको बीज बनाने के लिए लेना है उसका आप एक ट्रैक रखें कि वो कोकून कौन पैदा कर रहा है, कौन कीट पालन कर रहा है, वहाँ पर कोई बीमारी का प्रकोप तो नहीं हुआ है कीट पालन के दौरान। आप वहीं से कोकून लें जहाँ पर के कोई पहले बीमारी का प्रकोप नहीं हुआ है। आप जहाँ तहाँ से बाजार से कोकून उठा करके नहीं लें, अपनी जानकारी में लेकर के लें। अगर उनमें बीमारी के लक्षण हैं पेब्रिन के, तो उस जगह के कोकून को आप बीज के लिए मत लीजिए। जिसमें हैं कि 100 आपने देखे और कोई आपको बीमारी का लक्षण नहीं मिला सूक्ष्मदर्शी में देखने पर, तो आप उस कोकून को अपने बीजागार के लिए ले सकते हैं। अब बीजागार के अंदर रोग की संभावना और उससे बचाव के बारे में जानते हैं। बीजागार में रखे जाने वाले नए कोकून को पहले रखे गए रोगग्रस्त कोकून, अंडे और तितलियों के रोगाणुओं से रोगग्रस्त होने का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए बीजागार में नए कोकून लाने से पहले बीजागार को वैज्ञानिक विधि से ब्लीचिंग पाउडर, फॉर्मलिन दवा और चूना से विसंक्रमित कर लें। कि आप कोकून लेकर के आएंगे उससे पहले आपको बीजागार की तैयारी करनी है। अगर बीजागार आप ठीक से तैयार नहीं करेंगे तो बीमारी के उसमें रोगों के संभावना बढ़ जाएगी। इसके लिए क्या करेंगे कि कोकून खरीदने लाने से पहले 15-20 दिन पहले से ही आपको बीजागार को तैयार करना है। सबसे पहले बीजागार को सफाई करें अच्छे से। जो पिछला बीजागार किया गया है उसके वहाँ पर अवशेष रहते हैं, कुछ गंदगी रहती है, तितलियों के पंख रहते हैं और जो भी कचरा रहता है उसको अच्छे से साफ कर दें। दूसरा, उसके बाद उसमें पूरा बीजागार का 5% ब्लीचिंग पाउडर का घोल बना करके उसके पानी से उसकी सफाई करें। इससे क्या है कि वहाँ पर जो रहे कीटाणु हैं, बीजाणु हैं रोग फैलाने वाले, वो साफ हो जाएंगे। अब आपका ये तो हो गया कोकून रखने के दौरान। जब कोकून रखने के दौरान आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है, खाली ध्यान रखना है कि वहाँ पर वातावरण सही रहे। वातावरण से कहने का मेरा मतलब है कि तापमान और जो है आर्द्रता, नमी बराबर होनी चाहिए। अगर तापमान और आर्द्रता ठीक नहीं होगी, तापमान का कहने का मेरा मतलब है कि 28-30 डिग्री के आसपास रहना चाहिए और नमी जो है लगभग 70-80% होना चाहिए। अगर इसमें कहीं कमी है, जैसे गर्मियों के दिन में मार्च अप्रैल में होता है, कमी हो जाती है, तो इसको आपको जो है पानी डाल करके या गीला टाट का जो उसमें लगा करके आपकी खिड़की वगैरह में, या पुआल का जो है पानी लगा करके कर्टेन टाइप का बना के पानी डाल करके उसमें नमी और तापमान बनाए रखें। इससे क्या है कि आपका इमरजेंस ठीक होगा, रोगों की संभावना कम होगी। तसर बीजों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए बीजागार का तापमान और नमी अनुकूल रखें। एक एक सप्ताह के अंतराल पर ब्लीचिंग पाउडर के घोल से बीजागार को पोंछते रहें। पहले तो आपने साफ सफाई कर दी, लेकिन आपके जो वहाँ पर काम करने वाले रोजाना जाएंगे उनके द्वारा भी जो है बीमारी आने का संभावना रहती है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि जो दरवाज़ा है बीजागार का, उसके सामने एक चाहे तो प्लास्टिक की ट्रे ले लीजिए या कोई लोहे की ट्रे ले लीजिए। उसमें अगर फोम का टुकड़ा मिलता है तो फोम का टुकड़ा डाल दीजिए, नहीं तो ये टाट का बोरा होता है, जूट का मैट है, वो डाल दीजिए और उसमें रोजाना 2% फॉर्मलिन का पानी बना करके उसमें पूरी तरह से डाल दीजिए, गीला कर दीजिए। जब उसमें कोई भी जाएगा तो जूते अपने बाहर रखेंगे, जूते या चप्पल, और उसमें पैर रख करके खड़े हो करके आधा मिनट तब जाएंगे। तो इससे क्या होगा, बाहर से जो आपके साथ कहीं बीमारी आने की संभावना है वो फॉर्मलिन के पानी जो रहेगा मैट, उससे वो बीमारी जो है आगे
नहीं जाएगी, ये सावधानी बरतनी होती है। कोकून से तितली निकलने के बाद पहले उसके स्वस्थ होने का प्रमाण जांच लें। जिनके पंख विकृत या मुड़े हुए हों या शरीर का रंग काला पड़ गया हो, ऐसे रोगी तितलियों को खत्म कर दें। किसी तितली का 200 से कम अंडे देना तितली और अंडे दोनों के रोगग्रस्त होने की पहचान है। तो तितली निकलने के समय आप जो है जब उनका पेयरिंग हो जाता है तो जब उनको पेयरिंग करके मेल और फीमेल नर और मादा को उनको एक अलग सही स्थान में रखें। ऐसा नहीं है कि जहां आपका मालाएं लटकी हुई हैं वहीं पर आपने जो है पेयर लगा के रख दिए हैं, जोड़े लगा के रख दिए हैं और वहीं अंडा देने देना, तो उससे जो तितलियां वहां से निकल रही हैं उनकी धूल उड़ रही है, पंख उड़ रही है, उनमें जो है संभावना कंटामिनेशन की ज़्यादा रहती है। इसलिए उनको जो है उस रूम से अलग दूसरे रूम में रखें या ओपन बरांडा में रखें जहाँ पर सीधे धूप नहीं लगती हो, हवादार जगह होनी चाहिए, तितलियों को हवा मिलनी चाहिए। और जब आप 3 दिन अंडा ले लेंगे, 3 दिन अंडा लेने के बाद सबसे पहली है रोग के रोकथाम के लिए एक बार सबको देखिए, अगर उनमें कोई तितली खराब लगती है, जब आप काम करते रहते हैं तो ये अनुभव हो जाता है, कुछ तितली हैं उनके पंख ठीक नहीं होते, मुड़े तोड़े रहते हैं, उसका मतलब है कि उसमें रोग की संभावना, वो तितली बीमार है, ठीक नहीं है। कुछ तितलियों की जो शरीर है वो काला पड़ जाता है, उनमें जो है स्केल्स होते हैं, पकड़ेंगे तितली को तो हाथ में आ जाता है पाउडर जैसा, तो वो झड़ जाता है, काला काला बॉडी दिखता है, तो उससे लगता है कि उसमें, तो इस तरह की जो तितली दिखती हैं आपको मौत जो है सिल्क मौत जो है उनको सबको पहले ही हटा दीजिए। झारखंड के गांवों में यदि देसी तरीके से ग्रीन शेडनेट से बीजागार बनाया गया है तो उसे फॉर्मलिन के घोल और झाड़ू से साफ करके हवादार बना दें। उसके बाद बीजागार को विसंक्रमित करके उसमें स्वस्थ कोकून रखें। जो ग्रामीण परिवेश में काम करते हैं उनका जो मैंने जो बताया कि जो अभी पक्का उनके पास कम है ग्रेनेज हाउस, बीजागार पक्के नहीं है, ज़्यादातर जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं इस तरह के ग्रीन शेड नेट हैं, तो इनको जब कोकून लाने से पहले इनमें एक बार फॉर्मलिन के पानी से पूरा इनको झाड़ देना चाहिए। झाड़ू लेकर के जो नारियल की जो झाड़ू होती है इसमें 6 दिन के रुक जाते हैं हवादार बनाने के लिए, उससे पूरा धो करके साफ कर दें तो हवादार बन जाएगा। और दूसरा जो मैंने बताया है जो ग्रामीण बार हैं उनको सूक्ष्मदर्शी आजकल वैसे सबको सिखा दिया गया है, जो भी बीजागार का काम कर रहे हैं गांव की दीदी और जो छोटे गांव के बच्चे हैं भैया लोग हैं बिना पढ़े लिखे हैं, वो कुछ नहीं पढ़ना जानते हैं लेकिन पेपरिन को पहचान लेते हैं, उनको सबको सिखा दिया है, वो माइक्रोस्कोप में देखेंगे कहाँ इसमें बीमारी है, तो आजकल सब जानते हैं वो करना तो ज़रूरी है, चाहे गांव में है चाहे जो सरकारी संस्थान है। और दूसरा जो मैंने बताया है कि तितली को देख करके पहले छांट लें, वो सब लोग कर लेते हैं, तितली खराब तो नहीं है, पंख खराब तो नहीं है, उसका शरीर खराब तो नहीं है। और जो मैंने अंडा का बताया है कि अंडा कम तो नहीं दे रही है, एक तितली का अमूमन 200 से ज़्यादा अंडा देना चाहिए, लेकिन अगर 200 से कम दे रही है इसका मतलब है शरीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई बीमारी है। हाँ, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं बताता हूँ कि 2 बार बीजागार होता है, एक बार होता है जुलाई के महीने में और दूसरा होता है सितंबर के महीने में। तो जो जुलाई के महीने में वो तो अंडा अक्टूबर नवंबर में लिए जाते हैं, 6 महीना रखे जाते हैं, रहते हैं वहीं पर, और दूसरा जो सितंबर का है वो जो है कोकून तभी खरीदे जाते हैं 10-15 दिन पहले। तो इसकी केवल जो है आपको 20 जून से लेके 30 जून तक साफ सफाई करके तैयारी करनी है और जो है 15 दिन में ग्रेनेज हो जाता है। जो सितंबर में दूसरा होता है वो जो है 1-2 सितंबर से लेकर के और 15-20 सितंबर तक काम खत्म हो जाता है। तो खाली झारखंड में 2 ही बार होता है, लेकिन जो दूसरे स्टेट हैं मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उड़ीसा उनमें 3 बार होता है, तो 2 और 3 बार ही ग्रेनेज होता है। तीसरा ग्रेनेज होता है नवंबर में, मतलब जुलाई सितंबर और नवंबर, साल में यही 3 बार होता है। झारखंड के किसान कभी कभी देर से खेती करते हैं, खासकर धान की। तो वैसे किसान जो धान की खेती करते हैं और उनको देर लग जाती है, तो उनको ज़रूरी है कौन कौन से उन्नत प्रभेदों का ये चयन करें ताकि वह उससे लाभ उठा सके। ये तमाम जानकारियाँ हम आपको देंगे इस फीचर के माध्यम से, तो चलिए हम आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। झारखंड में खरीफ के मौसम में सबसे बड़े भूभाग पर धान की खेती की जाती है।
धान की खेती में सिंचाई के लिए ज्यादातर किसान बारिश पर निर्भर हैं। यदि अनियमित बारिश हो या विलंब से बारिश हो तो धान की बुआई में भी विलंब होती है। यदि विलंब से धान की बुआई करने की स्थिति हो तो सीधी बुआई करें। हम लोग देखते हैं यहाँ पे झारखंड की सबसे मुख्य फसल की अगर बात की जाए तो वो है धान, और यहाँ पे 80% जो सिंचित एरिया है, ये 80% कृषि योग्य जो ज़मीन है उसमें धान की खेती की जाती है। तो इधर कुछ वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि बारिश की बहुत ज़्यादा अनिश्चितता है, जिसकी वजह से किसान भाई कई बार खेत तैयार करने के बावजूद रोपा नहीं कर पाते, बहुत बार बुआई नहीं हो पाती धान की, तो इसकी वजह से काफ़ी उत्पादकता में भारी कमी आती है और किसान भाइयों को भी काफ़ी नुकसान होता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग थोड़ा सा किसान भाइयों को ये जानकारी देना चाहेंगे कि किसान भाई, जब भी आप इस तरह का मौसम की जो प्रॉब्लम या समस्याएं आती हैं, बारिश सही समय पर नहीं हो रहा है, ऐसे में किस्म का चुनाव पे खासकर ध्यान रखें, साथ ही अपनी जो पद्धति है खेती की या रोपा की उसको थोड़ा सा परिवर्तन करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रभेद की चुनाव की। अभी हम लोग देख रहे हैं, अब जुलाई महीने आ चुका है और इस समय मुख्य रूप से ट्रांसप्लांटिंग या रोपा का कार्य प्रारंभ हो जाता है, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण खेत में पानी का जमाव नहीं हुआ है और बारिश नहीं होने की वजह से जो रोपा होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो किसान भाइयों से यह आग्रह है कि ऐसे कंडीशन में किसान भाई सीधी बुआई में जाएं तो अच्छा है। और सीधी बुआई में भी दो तरीके से बुआई की जाती है, एक जो होता है जिसको हम लोग सूखा विधि बोलते हैं, एक होता है गीली विधि। तो सूखा विधि में बुआई जो लोग करते हैं, जिसको डायरेक्ट सीडेड राइस बोलते हैं, और ये बुआई का समय अब तो ख़त्म हो चुका है, चूँकि ये सूखा मेथड है जो कि बारिश आने से पहले 1 हफ्ता 10 दिन पहले की जाती है और वो 15 जून से 30 जून के बीच होती है। लेकिन अभी भी किसान भाई जिनको समय के साथ अगर काम करना है तो वैसे में हम लोग सीधी बुआई कर सकते हैं और गीली मेथड में जाएंगे। धान की खेती के लिए खेत में पानी का ठहराव जरूरी है, इसके लिए दोन एक दोन दो नंबर का खेत सबसे उपयुक्त है। दोन एक खेत में देर से तैयार होने वाले प्रभेद लगाएं, क्योंकि इस जमीन में ज्यादा समय तक पानी का ठहराव होता है। सबसे पहले प्रभेद क्या क्या ले सकते हैं उसकी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि तीन तरह की भूमि है, हम धान की जो खेती होती है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं दोन एक नंबर, दो नंबर और तीन नंबर की मध्यम ज़मीन और निचली ज़मीन, खासकर यहाँ पे धान लगाई जाती है। तो निचली ज़मीन जो होती है दोन एक नंबर, वहाँ पे जो लंबी अवधि वाली धान की किस्में हैं वो चलती हैं। लंबी अवधि में धान की जो किस्में हैं, जैसे कि राजेंद्र मंसूरी हुआ, स्वर्णा मंसूरी हुआ, BPT 5204 हुआ, MTO 1001 हुआ, तो ये कुछ किस्में हैं जो कि हम लोग निचली भूमि में लगाते हैं। 140 145 दिन में ये तैयार होती हैं, 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इनकी उत्पादन क्षमता होती है। लेकिन किसान भाई ये ध्यान रखें, चूँकि ये किस्में काफ़ी विलंब से तैयार होती हैं, तो इनका जो बुआई का समय होता है, नर्सरी तैयार करने का समय होता है, वो 15 जून से शुरू हो जाता है और ये लगभग जुलाई 15 जुलाई से लेके 20-25 जुलाई तक इनका रोपा हो जाना चाहिए, तभी इनकी उत्पादन अच्छी हो पाती है, औसत उत्पादन मिल पाता है। और अगर हम लोग इसकी बुआई जो है या रोपा की बात करें कि अगस्त में होती है, तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो विलंब से तैयार होने वाली प्रजातियां हैं उनकी रोपाई अगस्त में बिल्कुल ना करें। ऐसे कंडीशन में जो दो नंबर की खेत की प्रजातियां हैं, जैसे कि अभिषेक हुआ, नवीन हुआ, IR 64 DRT हुआ, ललाट हुआ, या स्वर्ण श्रेया अभी नई प्रजाति आई है, ये कुछ प्रजातियां हैं जिनकी बुआई दो नंबर खेत में की जाती है। लेकिन जब वर्षा देर से होती है और ट्रांसप्लांटिंग का समय आगे बढ़ता जाता है, ऐसे कंडीशन में जो दो नंबर के खेत की जो प्रजातियां हैं उनको हम लोग एक नंबर खेत में लेंगे, तभी हमारा टाइम हम लोग पकड़ पाएंगे और उसका उत्पादन ले पाएंगे। धान की विलंब से की जाने वाली बुआई में एक बात पर ज़रूर ध्यान दें, खेत में कादो करके छिटाई विधि से सीधी बुआई करें। इसके लिए कृषि यंत्र सीड ड्रिल की मदद ले सकते हैं। अच्छी उत्पादन क्षमता लेने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सही समय पर हम लोग बुआई करें। सही समय पे बुआई का मतलब होता है कि आप जो मध्यम ज़मीन की बात करें, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो धान की खेती होती है वो मध्यम ज़मीन में होती है, जो जिसको हम लोग दो नंबर बोलते हैं। तो इसमें 15
जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच में एक नंबर और दो नंबर में रोपा हो जानी चाहिए। और ये कंप्लीट हो जाने से आपका जो उत्पादन है, औसत उत्पादन, वो अच्छा मिलता है। अगर दो नंबर में अगस्त में भी हम लोग रोपा कर सकते हैं, लेकिन 15 अगस्त से पहले, मतलब जुलाई फर्स्ट वीक, अगस्त फर्स्ट वीक, पहला हफ्ता में अगर दो नंबर में रोपा कर रहे हैं, तो पहला हफ्ता या दूसरे हफ्ते तक बुआई कर देने से भी हमें उत्पादन अच्छी मिलती है। लेकिन एक नंबर में आपको हर हालत में जुलाई महीने में ही रोपा हो जानी चाहिए, नहीं तो आगे जाकर दाना भरने में बहुत समस्या आती है। दाना भरते समय टेम्परेचर लो हो जाता है, जिसकी वजह से दाना अच्छे से भर नहीं पाता और उत्पादन में भारी कमी देखी जाती है। तो दूसरी चीज़ है, हम एक जो पहले चर्चा कर रहे थे कि सीधी बुआई की बात, तो सीधी बुआई में जब हम लोग खेती करते हैं, जैसे कि समय अगर बीत रहा है और हमें समय को पकड़ना है, तो ऐसे कंडीशन में कादो करके खेत गीली खेत में जो बीज दर होगा वो 40 से 60 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से पहले से अंकुरित किया हुआ धान का बीज को हम लोग बुआई करेंगे। और ये बुआई या तो हल के पीछे कुंडों से भी कर सकते हैं, या सीड ड्रिल के माध्यम से कर सकते हैं, या डायरेक्ट छीटा बेथर में भी जा सकते हैं। और इसके बीच में जो स्पेसिंग होगी वो 20 सेंटीमीटर की होगी, पंक्ति से पंक्ति, और पौध से पौध 10 सेंटीमीटर की स्पेसिंग होगी। बुवाई में अनुशंसित मात्रा में बीज अनुशंसित दूरी पर बोएं। वर्तमान महीना अगस्त में धान लगा रहे हैं तो जल्द तैयार होने वाले प्रभेद लगाएं। हम लोग देर से बुआई कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक नंबर खेत की जब हम लोग बात करते हैं, तो इसमें जो भी किस्में दो नंबर में लगाई जाती हैं वो हम लोग एक नंबर में लगाएंगे। और उसके लिए आप अभिषेक हुआ, नवीन हुआ, स्वर्णश्रेया हुआ, ललाट हुआ, इन किस्मों को, IR 64 DRT, इन किस्मों को हम लोग एक नंबर में लेंगे जब बारिश देर से होती है और जब रोपा की बात आती है अगस्त माह में, तो हम लोग दो नंबर की जो किस्में होती हैं वो एक नंबर में लेंगे। मुख्य रूप से ये चूँकि मानसून लेट हो रहा है, तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि किसान भाई कम अवधि वाली किस्में का चुनाव करें, और इस बात का खास ख्याल रखें जो लंबी अवधि वाली किस्में हैं वो अगर मानसून और विलंब होती है तो उसको ना लगाएं, ताकि जो एवरेज उत्पादन है वो अच्छे से ले सके किसान भाई। तो ये खासकर ख्याल रखें कि कम अवधि वाली किस्मों का प्रयोग मानसून को देखते हुए किसान भाई करें। देर से लगाए जाने वाले धान के उन्नत प्रभेद और उनके लगाने की विधि, किसान भाई आप इस जानकारी का लाभ लें और धान की खेती से अच्छी उपज पाएं। तो कैसी लगी जानकारी, महत्वपूर्ण थी ना? हम आशा करते हैं कि इस जानकारी से आप जरूर लाभ उठाएंगे। तो किसान भाइयों, जाते जाते आप हमारा पता नोट कर लें, ताकि अगर आपके पास कोई भी जानकारी या सुझाव है तो आप हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से या इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 8340001। तो किसान भाइयों, जाते जाते हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब से भी जुड़ सकते हैं। तो कैसी लगी जानकारी आज के इस अंक में जो हमने आपको दी? आशा करते हैं कि ऐसी ही जानकारी लेकर हम आगे भी अंक में आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए कृषि दर्शन और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।